हमारी कर्क राशि कैंसेरियंस के लिए देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो कैंसेरियंस बताइए, कार्ड्स हमारे बताइए कि कैंसेरियंस के लिए आपके विचार में क्या है, कौन सी एनर्जीज दिखा रहे हैं आप हमें। ओके कैंसेरियंस, क्या बात है, कुछ ऐसा लग रहा है किसी नए प्यार से या पुराने प्यार से ही कुछ मुलाकात होने वाली है ना, किसी क्लासिक पर्सन से फिर से मुलाकात होने वाली है, या फिर से नहीं तो किसी से तो मुलाकात होने वाली है, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होने वाले हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। कुछ खुशियां, कुछ कहते हैं ना एक क्लासिक पन आपकी लाइफ में इस वीक आप जो है महसूस करेंगे। और मुझे तो शॉपिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ खरीदारी करते हुए भी दिख रहे हैं, तो उसमें मैं यही कहूंगी कि सोच समझ के खरीदारी करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खर्च कर दें और फिर बोलें कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो इस तरह का सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे आया है आपको सिक्स ऑफ वैंड्स कहीं कहता है कि कोई जीत की सिचुएशन है, कोई खुशखबरी है, कहीं पे कुछ अचीव करेंगे, कहीं पे आपका कोई टारगेट पूरा होगा, कोई काम पूरा होगा, और फाइनेंशियली भी साउंड होते मुझे इस वीक नजर आ रहे हैं। कोई बहुत टाइम से रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, कहीं प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। काम का बर्डन बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है, और रिलेशनशिप्स के लिए कहूँ या इसको रिलेशनशिप्स के लिए भी कह सकते हैं कि लोगों की नजर आपके ऊपर होगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और अंडर ऑब्जर्वेशन आप रहने वाले हैं, जैसे कि कोई स्पाई कर रहा है, हमेशा कोई ना कोई आपको स्टॉक करता रहेगा, स्पाई करता रहेगा, रिलेशंस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, बाहर बिजनेस में, जहां काम करते हैं वहां। तो आप अट्रैक्शन का केंद्र बने रहेंगे। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ स्ट्रेस और डिप्रेशन टाइप्स रहेगा, यानी कि आपको सब कुछ मिलेगा फिर भी आपको कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, और आपका मन करेगा कि बस अब मुझे किसी से नहीं मिलना, और जो है अकेले रहने का आपका मन करेगा। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो हमारे एंजल गाइडेंस बताइए क्या आ रहा है। वाओ, उनके लिए भी यही आया है कि मेडिटेशन वही वहां पे भी दिखा था कि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स वो कहीं जा रहे थे, आराम करना चाह रहे थे, मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहते थे, पीस ऑफ माइंड चाहिए था। तो खूब मेडिटेट करिए और खुश रहिए, जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला। तो ये था हमारा कर्क राशि के लिए। तो चलते हैं हम हमारी दूसरी राशि के लिए।